हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में दिए गए एग्जांपल 8.2 और 8.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल क्या है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 8.2 क्या है। The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो इसमें दिया हुआ है कि मान ली कार है ये, इसको ट्रिप पर जाना है। तो एक कार जब अभी ट्रिप स्टार्ट करने वाली है तो उस समय उसका रीडिंग, ओडोमीटर का रीडिंग 2000 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने इसके पहले ओडोमीटर के बारे में समझा था, ओडोमीटर क्या होती है। तो ओडोमीटर ड्राइवर के सीट के सामने एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसमें वो कार जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बताता है। तो जैसे ये अभी 2000 किलोमीटर रीडिंग बता रहा है तो मान लेते कि जैसे कार 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो ये रीडिंग बढ़कर हो जाएगा 2001 किलोमीटर, और जैसे ही कार एक और किलोमीटर आगे जाएगी तो इसका रीडिंग हो जाएगा 2002 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर है और जब ट्रिप को ये समाप्त करती है तो उस समय उसका रीडिंग हो जाता है 2400 किलोमीटर। तो अभी देखिए ओडोमीटर का रीडिंग हो गया ये 2400 किलोमीटर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस से कवर करने में टाइम कितना लगा, 8 आवर, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो जब ट्रिप समाप्त हुई उस समय जो ओडोमीटर का रीडिंग था उस रीडिंग में से हम इनिशियल ओडोमीटर का रीडिंग माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस से ट्रेवल किया वो मालूम चल जाएगा। तो देखिए फाइनल रीडिंग है 2400 किलोमीटर, उसमें से इनिशियल रीडिंग 2000 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम 8 आवर्स लगा। तो आइए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था, 400 आ गया हमारा ये यहां से यहां तक जाने में, और इसको 8 आवर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा आंसर जो आया ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। और हमारा दूसरा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें जो स्पीड है एवरेज स्पीड उसको मीटर पर सेकंड में बताना है। तो मीटर पर सेकंड में बताने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 50, और किलोमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये डिवाइड हो जाएगा आवर। आवर को अगर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और फिर हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो इस 60 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसका एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 36, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए अब हमारा दोनों में आंसर आ गया। अगर किलोमीटर में आंसर बताना है तो 50 किलोमीटर पर आवर,
और मीटर सेकंड में स्पीड बताना है, तो ये 13.9 मीटर पर सेकंड। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8.3 है, इसमें बोल रहा है उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा स्विमिंग कर रही है और जो स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वो 90 मीटर है। सी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वह एक इंड से दूसरे इंड तक जाती है, फिर वहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचती है, तो वह 180 मीटर कवर करती है डिस्टेंस, और उसको टाइम लगता है 1 मिनट। 1 मिनट में 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड मालूम करना है एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमारा स्विमिंग पूल है और इसका लेंथ है 90 मीटर, और ये मान लेते हैं कि ये स्विमिंग कर रही है, स्विमिंग करके दूसरे इंड तक जाती है और दूसरे इंड से फिर वो वापस आती है। तो इसको टोटल डिस्टेंस कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक का 90 मीटर है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आने में 90 मीटर लगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर, और टाइम इसने कितना लिया 1 मिनट। और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए यहाँ फाइनल पोजीशन भी सेम पॉइंट पर है और इनिशियल पोजीशन भी सेम पॉइंट पर है, तो दोनों का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 मीटर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे निकाल देंगे, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं एवरेज स्पीड, इसको एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना था 180 मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिनट से, 1 मिनट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितना होता है सेकंड, 60 सेकंड। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट है 0 है, इसको हमें 1 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो देखिए इन दोनों में आप लोगों ने अंतर समझ लेगा, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है और एवरेज वेलोसिटी 0। तो आज का हम लोग टॉपिक समाप्त करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।